नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 पाठ 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए 3.5 का पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला भाग ये है, पहला लिखें यक्स माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और लिखा इसके बाद दूसरा 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक ना। तो इसमें देखिए यहाँ देखते हैं, इसमें a1 यहाँ a1 कितना है, यहाँ देखिए ये a1 होता है, इसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए अगर इनसे तुलना करें तो देखिए x का गुणांक a1 है, इसी प्रकार x का गुणांक यहाँ a1 होगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 होता है, तो लिखेंगे 1। फिर b1 का मान कितना आया है, देखिए -3 लिखा हुआ है, इसी प्रकार c1 बराबर -3। अब a2 b2 और c2 ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे a2 बराबर 3 और b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। अब फिर a1 बटे a2 चेक करते हैं, तो a1 बटे a2 बराबर 1/3, 1/3 लिखा। इसी प्रकार b1 बटे b2 देखते हैं कितना है, तो इसमें देखिए -3/-9। ठीक ना। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 3 × 3 = 9, 1/3 आया। देखिए ये दोनों बराबर आए, तो c1/c2 भी चेक करेंगे यहीं पर, तो c1/c2 बराबर -3/-2। तो देखिए केवल माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आया 3/2 प्राप्त हुआ। अब देखिए ये दोनों अनुपात बराबर है, 1/3 1/3, मगर ये c1/c2 3/2 आया, जो बराबर नहीं है इनके। तो इनको हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो देखिए इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता। ठीक ना। तो ये होता है कोई हल नहीं होता, इसका मतलब समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक ना। अब कोई हल नहीं का क्या होगा, असंगत होता है। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का, इसमें क्या लिखा है, कोई हल नहीं, तो लिखेंगे का कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक ना। तब जब कोई हल नहीं होगा तो इसको आगे हल नहीं करेंगे। तो देखिए सेकंड भाग देखते हैं, अब दूसरा भाग देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। इसको क्या करेंगे, देखिए ये बराबर के इस तरफ है 5 और 8, इसको भी अंदर पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार ये आएगा 2x + y, और ये अंदर पक्षांतर करें तो -5 = 0, और ये आया 3x + 2y - 8 = 0। देखिए अब ये मानक समीकरण में इस तरह रूप में बदल गया। अब इसमें a1 b1 c1 ये खोजते हैं, तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर, तो देखिए 2 है, b1 बराबर या कुछ नहीं तो ये 1 होता है, और c1 बराबर -5। इसी प्रकार a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2,
और सी टू बराबर माइनस एट। इसमें ए वन बटे ए टू चेक करेंगे तो ए वन बटे ए टू बराबर दो बटे तीन है, और बी वन बटे बी टू देखिए क्या है, एक बटे दो है। देखिए ये आपस में बराबर नहीं आए, तो इसके आगे सी वन बटे सी टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिखेंगे चूंकि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, तो इस प्रकार एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, ठीक ना। और इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं अद्वितीय हल और संगत होते हैं, तो लिखेंगे अतः या इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म के का अद्वितीय हल होगा, का अद्वितीय हल होगा। अब देखिए चूंकि अद्वितीय हल है तो इसको इसमें x और y का मान ज्ञात होगा, तो अब x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमने पहले ग्राफ विधि से देखा, ठीक ना, तो ग्राफी विधि से भी हल किया जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और आगे चौथी विधि है तो ब्रज गुणन विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिए इन दोनों समीकरण को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये दोनों समीकरण हैं इनको यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 2x प्लस वाई माइनस पाँच बराबर शून्य, और ये हो गया 3x प्लस 2y माइनस एट बराबर शून्य। तो व्रज गुणन विधि से देखें, वज्र गुणन विधि, तो देखिए इसके अंदर विधि क्या होती है। देखिए सबसे पहले x चर को यहाँ लिखते हैं, देखिए x चर बटे में, चूंकि x चर ले रहे हैं तो इसके गुणांकों को नहीं टच करेंगे, नहीं छुएंगे, इसको ले रहे हैं तो जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसके आगे यहाँ इसका y का गुणांक कितना है, यहाँ कुछ नहीं होता, ये 1 होता है, ठीक ना। मतलब x के गुणांक, x के चर को लिए यहाँ पर तो x को छोड़ देंगे, इसके जस्ट आगे देखेंगे तो इसके आगे इसके y का गुणांक 1 है, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक ना। तो इसका 1 का गुणा माइनस एट में करेंगे, ठीक ना। तिरछा तिरछा, इसलिए व्रज गुणन बोलते हैं इसको, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है इसमें, तो 1 का गुणा माइनस एट, तो लिखेंगे 1 गुणे माइनस एट, ठीक ना, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगता है। फिर इसका गुणा इसमें कर लिया, अब इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं, इसके नीचे 2 है, 2 का गुणा इस तिरछा में करेंगे तो माइनस 5 का करेंगे, और यहाँ एक माइनस सूत्र में होता है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे माइनस 5 बराबर, ठीक ना। देखिए अब x के गुणांक खत्म हो गया, अब y लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं y बटे, अब y के बटे लेंगे तो देखिए इस y को छोड़ देंगे, इसके जस्ट आगे जाएंगे, ठीक ना। तो इस ये रहा माइनस 5, इस माइनस का 5 का अगर आगे अगर कोई अंक होता तो आगे किए होते, मगर इधर कुछ नहीं है, इसके जस्ट उल्टा देखिए यहाँ पर, ठीक ना। तो y को लिया तो y के आगे माइनस 5, माइनस 5 के आगे गुणा करने के लिए कुछ नहीं, तो इसको वापस जस्ट वापस यहाँ आ जाइए, तो इस माइनस का 5 का गुणा 3 में करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं माइनस 5 गुणे 3, फिर इस सूत्र में होता है माइनस, ठीक ना। फिर देखिए माइनस 5 का गुणा इसमें कर लिया, और इसके जस्ट नीचे चले आइए, ये आया माइनस 8, माइनस 8 का गुणा 2 में करेंगे, तो लिखते हैं माइनस 8 गुणे ये 2 हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ लिख लेते हैं, आगे ही लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इसका जय खत्म हो गया। तो अब देखिए 1 बटे लिखेंगे, ठीक ना, इन अचर पदों के लिए 1 बटे लिखते हैं। अब देखिए इस यहाँ पहुँच गए हम लोग, इसको किया, इसको किया, इसको करेंगे, तो अब देखिए इसको करेंगे तो इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो इसको करने के लिए जस्ट पीछे लौट जाते हैं। देखिए ये 2 आया, ठीक ना, इस 2 का गुणा तिरछा में करेंगे 2 से, तो ये गुणे ये लिखते हैं 2 गुणे 2 माइनस, जस्ट इसके नीचे चले आते हैं तो ये 3 आया, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक ना। एक बार हम फिर से बताते हैं इसको,
देखिए सबसे पहले यक्ष चर को लिखा, यहाँ यक्ष है, वाई है और अचर पद है, तो यक्ष को पहले यहाँ लिखा हमने, ठीक ना। तो यक्ष के चीज को पूरा छोड़ देंगे, ठीक ना, इधर भी और यहाँ भी, इसके जस्ट आगे देखेंगे तो ये रहा वाई। वाई के गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वह वन होता है, इसका तिरछा में गुणा करेंगे, ठीक ना। तो एक का गुणा माइनस एट में किया, एक गुणे माइनस एट, फिर ये माइनस सूत्र में होता है इसलिए माइनस हमने लगाया, फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें कर लिया। अब इसके जस्ट नीचे चले आएंगे तो इसके नए दो का गुणा इस तिरछा में करेंगे, तो दो गुणे माइनस पाँच बराबर। अब वाई को लेंगे तो वाई को ले लिया तो इसके आगे को देखेंगे तो इसके आगे माइनस पाँच, इस माइनस पाँच का गुणा इधर तो कुछ है नहीं करने के लिए, ये जस्ट इसका तिरछा में ये हो जाएगा, तो माइनस पाँच का गुणा तीन में करेंगे, तो माइनस पाँच गुणे तीन, और ये माइनस सूत्र में होता है, माइनस लगा लिया। अब इसका गुणा चूंकि इसमें कर लिए, अब इसके जस्ट नीचे चले आइए तो नीचे कहेंगे तो माइनस सेट आ गया, माइनस सेट का गुणा इस तिरछा में करेंगे, ठीक ना, इसके संग नहीं करेंगे, वाई है, ठीक ना, वाई लिख रहे हैं इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं पूरा। तो माइनस आठ का गुणा दो में करेंगे तो माइनस आठ गुणे दो बराबर। अचर पद के लिए वन लिखते हैं, देखिए अब अचर पद हो गया तो इसके आगे कुछ नहीं, तो इसके आगे जस्ट यहाँ से शुरू करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, दो दुनी ये हुआ, और फिर इसके जस्ट नीचे चले आएंगे और दो एक कम दो लिखा, सॉरी तीन एक कम तीन लिखा। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए देखिए हल कैसे होता है, यक्स बटे देखिए आठ एक कम आठ। अब गुणा में ना पहले अंकों का गुणा कर लिया जाता है, इसमें माइनस प्लस ब्लास्ट में देखा जाता है, आठ एक कम आठ, एक माइनस होने के कारण ये माइनस यहाँ लिखाएगा, ठीक ना। अब देखिए इधर, अब इसके इधर देखिए पाँच दूनी दस, और इधर कितने माइनस हैं, दो माइनस हैं, दो माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाता है, ठीक ना। फिर देखिए आगे वाई को देखते हैं, अब देखिए तीन पचे पंद्रह, कितने माइनस, इन दोनों में एक माइनस, तो एक माइनस लगेगा। फिर इसमें देखिए आठ दूनी सोलह, सोलह हो गया और दो माइनस हैं इधर, तो दो माइनस का ये प्लस हो जाएगा बराबर एक बटे, देखिए दो दूनी चार, तीन एक कम तीन। इसको हल कर लेते हैं, यक्स बटे दस में आठ गया दो बराबर, वाई बटे सोलह में पंद्रह गया एक बराबर, एक बटे चार में तीन गया एक आया। एक बार इसको इसके संग ले लेंगे और एक बार इसको इसके संग ले लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं यक्स बटे दो बराबर एक बटे एक, और इसको लिख लेते हैं फिर वाई बटे एक बराबर एक बटे एक। इस प्रकार इसका गुणा करेंगे तो यक्स एक कम यक्स हो गया और दो एक कम दो हो गया और वाई बराबर एक प्राप्त हुआ। इस प्रकार यक्स और वाई का मान दो और एक क्रमशः आ गए। तो प्रश्न नंबर एक का दूसरा भाग हल हो गया, अब तीसरा भाग देखेंगे। अब तीसरा भाग देखते हैं इसका, थर्ड, थर्ड में देखिए क्या लिखा है, थ्री एक्स माइनस फाइव वाई बराबर बीस, और इसमें लिखा है सिक्स एक्स माइनस दस वाई बराबर चालीस, ठीक ना। तो इसको देखिए, अब चाहे इसको आप अंतर कर लीजिए, देखिए आप बन जाएगा थ्री एक्स माइनस पाँच वाई माइनस बीस बराबर शून्य, ठीक ना। इसको चाहे आप अगर ये देखिए, इसको चाहे आप अंतर करिए चाहे ना करिए, ठीक ना, इसमें आप a1 बटे a2 दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं, अगर ये दोनों बाहर हैं या दोनों अंदर हैं तो इसे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 चेक कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। देखिए अगर ये दोनों इधर हैं, अगर दोनों अंदर गए तो दोनों चिन्ह बदल देंगे, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको अंदर हम कर ही ले रहे हैं, सिक्स एक्स माइनस दस वाई माइनस चालीस बराबर जीरो। अब यहाँ से a1 a2 चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, लिखिए यहाँ a1 बराबर तीन, b1 बराबर माइनस पाँच और c1 बराबर माइनस बीस, और a2 बराबर छः, b2 बराबर माइनस टेन और c2 बराबर माइनस चालीस। तो इसमें a1 बटे a2 चेक करिए, देखिए क्या है, a1 बटे टू तीन बटे छः, इसका मतलब तीन एक कम तीन दूनी छः, एक बटे दो आ गया। फिर b1 बटे b2 देखते हैं तो आ गया माइनस पाँच बटे माइनस दस, तो माइनस माइनस कटा
पाँच एकम पाँच दूनी दस, इस प्रकार एक बटे दो आया। अब सी वन बटे सी टू चेक कर लेते हैं। देखिए सी वन बटे सी टू बराबर माइनस बीस बटे माइनस चालीस, ठीक ना, बीस बटे चालीस, ये माइनस माइनस कैंसिल, बीस एकम बीस दूनी चालीस, इस प्रकार एक बटे दो। देखिए तीनों का मान बराबर आया, ठीक ना, एक बटे दो एक बटे दो एक बटे दो, त्या लिखेंगे चूंकि ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू है। देखिए ये स्थिति में अगर तीनों बराबर अनुपात होते हैं तो इसमें होता अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक ना, इस पर रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं, तो हम लिख लेते हैं अतः रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक ना, तो इसको ज्ञात नहीं करना है क्योंकि इसमें अद्वितीय हल पे ही आगे हल करेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन तीसरा भाग हो गया। अब चौथा भाग देखते हैं। अब प्रश्न नंबर एक का चौथा भाग देखते हैं। देखिए चौथा भाग में x माइनस थ्री वाई माइनस सात बराबर जीरो, थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस पंद्रह बराबर शून्य, ठीक ना, तो इसमें देखते हैं यहाँ ए वन बटे ए वन बराबर एक, बी वन बराबर माइनस तीन और सी वन बराबर माइनस सात, फिर ए टू बराबर तीन, बी टू बराबर माइनस तीन और सी टू बराबर माइनस पंद्रह। तो ए वन बटे ए टू चेक करते हैं, ए वन बटे ए टू ये आ जाएगा एक बटे तीन और इसमें हो जाएगा बी वन बटे बी टू बराबर माइनस तीन बटे माइनस तीन, ये माइनस माइनस कट गया, तीन एकम इस प्रकार एक बटे एक प्राप्त हुआ। देखिए ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू के बराबर नहीं है, एक बटे तीन है, यहाँ एक बटे एक है, तो उसका आगे सी वन बटे सी टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, तो इसका एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ये दोनों रेखाएं, इन दोनों की जो रेखाएं प्राप्त होंगी एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और प्रतिच्छेद करेंगी तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक ना, और कोई भी किसी भी समीकरण का अगर हल प्राप्त होता है तो वो संगत होता है, ठीक ना, तो इसमें लिखेंगे चूंकि इस अतः अद्वितीय हल होगा, ठीक ना, रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो अगर अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है तो हम इसको पहले हल करेंगे, ठीक ना, तो ब्रज गुणन विधि से इसको हल करते हैं। तो इनको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं या इनको मिटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले यक्ष चर को लिखेंगे यहाँ पर बटे, अब देखिए यक्ष चर को ले रहे हैं तो यक्ष को छोड़ देंगे, आगे देखेंगे तो यक्ष वाला इसको छोड़ दिया, इसके आगे गए तो ये माइनस तीन है, अब माइनस तीन का गुणा माइनस पंद्रह में करेंगे, ठीक ना, तिरछा में करेंगे तो लिखेंगे माइनस तीन गुणे माइनस पंद्रह, ठीक, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब चूंकि हो गया अब इसके जस्ट नीचे चले आएंगे, तेरा माइनस तीन का गुणा माइनस सात में करेंगे, लिखेंगे माइनस तीन गुणे माइनस सात, ठीक ना, माइनस तीन गुणे माइनस सात बराबर। अब वाई लेते हैं तो y के लिए देखिए y को लिया आप तो इसको पूरा छोड़ देंगे, y के आगे देखेंगे तो ये आया माइनस सात, इस माइनस सात आगे करना होता तो आगे कुछ है नहीं तो ये आगे इस तिरछा के संग यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक ना, तो इस माइनस सात गुणे तीन माइनस, अब इसके जस्ट नीचे चले आएंगे तो यहाँ माइनस पंद्रह, इस माइनस पंद्रह गुणा इसके संग गुणांक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ वन होता है तो लिखेंगे माइनस पंद्रह गुणे वन, ठीक ना, माइनस पंद्रह गुणा
एक में करेंगे बराबर यहाँ एक बटे, अब देखिए अचर पद है ये वाला है तो इसको छोड़ देते हैं, इसके आगे जाएंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो इसके जस्ट वापस पीछे हो जाएंगे। तो अब देखिए पीछे में यहाँ वन आया, एक गुणा माइनस तीन में करेंगे, लिखेंगे एक गुणे माइनस तीन, फिर एक माइनस सूत्र में होता है, फिर एक का गुणा माइनस तीन में कर लिया, अब एक के जस्ट नीचे चले आएंगे तो ये आया तीन, और तीन का गुणा माइनस तीन में करेंगे तो लिखते हैं तीन गुणे माइनस तीन, ठीक ना। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, यक्स बटे देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो पहले अगर गुणे में किसी भी चीज़ का गुणा करना हो, गुणे का चिन्ह है तो पहले गुणा करिए, अंकों का गुणा करते हैं तो पंद्रह तिहाई पैंतालीस, अब इसमें देखिए कितने माइनस हैं तो माइनस दो हैं तो कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब इनका देखते हैं तो सात त्रिक इक्कीस, अब इसमें देखिए कितने माइनस हैं, इसमें एक दो कुल तीन माइनस हैं तो देखिए ये दो माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस रह जाएगा तो ये माइनस यहाँ लिखा जाएगा, ठीक ना। दो माइनस कैंसिल, एक माइनस बच गया, ठीक ना। इसी प्रकार अगर चार माइनस होते, ये चार माइनस अगर होते तो ये इससे कैंसिल जाता, ये इससे कैंसिल जाता तो मतलब प्लस में आंसर आता। अब देखिए इसमें वाई बटे सात त्रिक इक्कीस और इसमें एक माइनस है इसमें तो एक माइनस यहाँ लिखा। अब इधर से सबको चेक करेंगे, पंद्रह एकम पंद्रह और ये दो माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा बराबर एक बटे देखिए तीन एकम तीन, एक माइनस होने के कारण माइनस लिख दिया, तीन त्रिकाई नौ और दो माइनस है तो प्लस नौ हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके आगे देखते हैं, देखिए यक्स बटे अब पैंतालीस में इक्कीस गया तो पाँच में एक गया चार और चार में दो गया दो बराबर वाई बटे, अब इनको घटाते हैं देखिए माइनस अब प्लस लिखा हुआ है तो घटेगा तो 21 में 15 गया तो 6, अब बड़ी संख्या में माइनस लगा तो माइनस लगा दे रहे हैं बटे, अब देखिए 9 में 3 गया 6 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसको एक बार इसके संग लेंगे और एक बार इसको इसके संग लेंगे तो देखिए यक्स बटे 24 बराबर 1 बटे 6 और ये हो गया वाई बटे माइनस 6 बराबर 1 बटे 6 हो गया। अब इसका गुणा इसमें तिरछा गुणा कर लेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा तो 6x बराबर 24 इक्के 24 तो हो गया x बराबर 24 बटे 6, 6 कम 6 चौक 24, इस प्रकार x का मान 4 प्राप्त हुआ। और इसको अगर हल करेंगे तो देखो 6 गुणा इसमें तिरछा गुणा करते हैं तो हो गया 6y बराबर 6 कम 6 तो हो गया y बराबर माइनस 6 बटे 6, 6 पक्षांतर हो गया, 6 कम तो ये हो गया y बराबर माइनस 1 प्राप्त हुआ, ठीक। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, पहला भाग है तो पहले भाग में है a और b के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक ना। तो इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 7 और इसमें लिखा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ अब देखिए a1 a2 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, a1 बराबर 2 है और ये b1 बराबर 3 है और c1 बराबर 7 हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार a2 बराबर a माइनस बी, b2 बराबर a प्लस बी और c2 बराबर ये पूरा है, लिखते हैं 3a प्लस बी माइनस 2। तो इसमें लिखते हैं चूंकि रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो अनेक हल होने के लिए क्या होता है, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं। तो इस पे मान रख लेते हैं ए वन क्या है टू और ए टू ए माइनस बी और बी वन थ्री बी टू ए प्लस बी बराबर सी वन सेवन और ये थ्री ए प्लस बी माइनस टू, ठीक है। तो इनको पहले इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और एक बार इनको ले लेंगे साथ में। तो इसको लिखते हैं, देखिए दो बटे ए माइनस बी बराबर, ठीक है, तो इन दोनों को ही पहले एक साथ ले लेते हैं, छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, सभी बराबर हैं, जिसको चाहे उसको लिख सकते हैं साथ में, बराबर तीन बटे ए प्लस बी, इन दोनों को ले लिया साथ में। तो तिरे गुणा कर लेते हैं, तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं तीन गुणे ए माइनस बी बराबर दो गुणे ए प्लस बी। अब तीन का गुणा दोनों में करेंगे तो लिखेंगे थ्री ए माइनस थ्री बी बराबर टू ए प्लस टू बी। ए ए को एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं और बी बी को एक तरफ, तो लिखेंगे थ्री ए और टू ए पक्षांतर होगा तो माइनस टू ए हो जाएगा और यहाँ टू बी रह गया, ये माइनस थ्री बी पक्षांतर होगा तो प्लस थ्री बी हो गया। थ्री ए में टू ए गया तो ए आया और ये तीन दो पाँच बी आ गया, ठीक ना। तो समीकरण एक प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को साथ में ले लें चाहे इन दोनों को साथ में ले लें, ठीक ना। तो इन्हीं दोनों को साथ में इन दोनों को ले लेते हैं, तो देखिए लिखते हैं तीन बटे ए प्लस बी बराबर सात बटे थ्री ए प्लस बी माइनस टू। तो तिरे गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो यहाँ देखिए लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर तीन गुणे तीन ए प्लस बी माइनस टू बराबर सात गुणे ए प्लस बी। तो गुणा कर लेते हैं अंदर, तीन त्रिकाई नौ ए प्लस थ्री बी माइनस छः बराबर सात ए प्लस सात बी। ए एक तरफ कर लेते हैं, देखिए ए का मान पाँच बी है, अंत में ए का मान पाँच बी रख देंगे। तो देखिए इसको इसके संग लिख लेते हैं नाइन ए, इसको अंदर पक्षांतर किए तो माइनस सेवन ए प्लस थ्री बी, ये रखा है इसको अंदर पक्षांतर किए तो माइनस सात बी बराबर, इस माइनस सिक्स को अचर पद है उसको दाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस छः है तो प्लस छः हो गया। अब नौ में सात गया टू ए और ये तीन में सात गया तो तीन माइनस सात बराबर माइनस चार बी बराबर छः, ठीक ना। तो अब यहाँ ए का मान पाँच भी है तो यहाँ रख देते हैं ए का मान पाँच भी, तो दो गुणे पाँच बी, ठीक ना, ए का मान हो गया ये ए बराबर पाँच भी है, यहाँ रख दिए माइनस चार बी बराबर छः, पाँच दूनी दस बी माइनस चार बी बराबर छः, दस में चार गया छः बी बराबर छः, तो बी बराबर छः बटे छः, छः कम छः कम, इस प्रकार b बराबर एक प्राप्त हुआ। अब इस b का मान समीकरण एक में रख देंगे तो a का भी मान प्राप्त हो जाएगा। यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं, लिख लेंगे, ठीक ना। इसके बाद यहाँ देखते हैं, लिखेंगे b का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए a का a रखा a बराबर पाँच बी, ए बराबर पाँच बी, तो b का मान एक रख दिया तो a का मान भी पाँच प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो अतः a बराबर पाँच और b बराबर एक प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो अब दूसरा भाग देखते हैं इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर दो का दूसरा भाग है, इसमें लिखा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं 3x प्लस वाई बराबर एक, 2k माइनस वन एक्स प्लस के माइनस वन वाई बराबर 2k प्लस वन।
तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 1। इसी प्रकार a2 बराबर 2k-1, b2 बराबर k-1 और c2 बराबर 2k+1, ठीक ना। आप चूंकि क्या लिखा हुआ है इसमें, रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, लिखेंगे चूंकि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है तो इसके लिए देख कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन होता है, तो ये होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक ना। तो इसी पर मान रख देते हैं, ये लिखा 3/2k-1 बराबर 1/k-1 बराबर नहीं है 1/2k+1। तो हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो इसका k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं 3/2k-1 बराबर 1/k-1। इसका तिरे गुणा करेंगे तो देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा 3k-1 बराबर 1 गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 2k-1। 3 गुणा दोनों पदों में करेंगे तो 3k-3 = 3, 2k-1, k को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ, तो लिखेंगे 3k-2k बराबर, ये माइनस वन रह गया और -3 पक्षांतर हुआ तो +3 हो गया, 3k में 2k गया तो k बराबर 3 में 1 गया 2, इस प्रकार k का मान 2 प्राप्त हुआ।